हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में, जो कि 25 से 27 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, यानी कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में, आईपीओ डिटेल्स और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 251 रुपये पर शेयर, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 114% के आसपास में देखने को मिल रहा है। अगर ये आईपीओ जीएमपी के अनुसार लिस्ट होता है तो आपको यहाँ पे एक लोट में 16,000 रुपये के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, जीएमपी ऊपर नीचे होता रहता है तो कोई गारंटी नहीं है कि जीएमपी के अनुसार ही लिस्ट होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो केआरएन हीट एक्सचेंजर, आपको नेम से ही पता चल रहा है हीट एक्सचेंजर प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि हम घरों में एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो इनमें भी हीट एक्सचेंजर कंपोनेंट है वो लगा रहता है। ठीक इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट बनाती है एयर कंडीशनर इंडस्ट्री के लिए, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री के लिए, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, प्लांट होते हैं जिनमें सारे दिन मशीनें चलती रहती है और वो गर्म हो जाती है, तो इनकी कूलिंग के लिए भी ये हीट एक्सचेंजर प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी के जो बड़े क्लाइंट है उनमें शामिल है डाइकन, ब्लू स्टार, वोल्टास, गोदरेज, इसके अलावा भी काफी सारी कंपनियां इसके क्लाइंट है। इस कंपनी के आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, यानी आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा करेगी उन पैसों से इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्वेस्ट करेगी और ये एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सेटअप करेगी निमराणा अलवर राजस्थान में, एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए इन पैसों को यूज किया जाएगा। इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। 27 सितंबर शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 209 रुपये से 220 है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ प्राइस 220 सेलेक्ट करेंगे। इसका जो टोटल इश्यू साइज है 341 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है जो कि कंपनी के पास में जाएगा और कंपनी इसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेगी। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर है, तो आप अलॉटमेंट बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 अक्टूबर को आपको अपना पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा, और इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो एनएससी एंड बीएससी पे 3 अक्टूबर को होने वाली है। इस आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो एक लॉट में 65 शेयर मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी में 14,300 रुपये आपको पेमेंट करना है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी कोटा 50% है, रिटेल कोटा 35% है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। एचएनआई कोटा यहाँ पे 15% का देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो टोटल एसेट्स की संख्या यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 10 करोड़, 2023 में 32 करोड़ एंड 2024 में 39 करोड़, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। कंपनी के पास में नेटवर्थ अच्छी है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 22 करोड़, 2023 में 36 करोड़ और 2024 में 59 करोड़, तो टोटल बोरोइंग यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा लगातार है वो इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1309 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31% एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29%, तो ये तीनों इंडिकेटर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जनरली 15% से ऊपर होते हैं तो ये अच्छे माने जाते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 0.45 का है। अगर जनरली 1 से नीचे होता है डेट टू इक्विटी रेशियो तो अच्छा माना जाता है, और 0.5 से नीचे होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहां पे हम देखेंगे तो 0.45 है, तो ये यहां पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी के ऊपर जो लोन है वो यहां पे मैनेजेबल है। पेट मार्जिन की बात करें तो 12% के आसपास में है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जनरली 10% से ऊपर होता है तो ये अच्छा माना जाता है। इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का फिलहाल पी 24 का है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में कंपनी का पी 33 का हो जाएगा, तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। नॉर्मली 25 से 30 का पी अच्छा माना जाता है। इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अपने सेक्टर की पहली कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हो रही है। तो यह है दोस्तों इस आईपीओ की पूरी डिटेल। अब बात करते हैं इसके फाइनल डिसीजन के बारे में। आपने देखा कंपनी का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को
मिल सकता है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और कंपनी अपने सेक्टर की पहली कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न है वो बना के दे सकती है। मैं यहाँ पे पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद से स्टडी करें, एनालिसिस करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टेक्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।